वेलकम न्यू सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। और ये मैंने आलू प्याज पालक की जिंजर कटिंग रखी है और एक इसमें एक टीस्पून साल्ट चला गया है। पकौड़े, होममेड पकौड़ा रेसिपी, रेड चिली चली गई हाफ, और हम इसमें अब डालेंगे गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाले के बाद अब हम इसमें डालेंगे, इसमें अब जाएगी हल्दी। ये मैंने हल्दी डाल दी है, तो ये देखें कितने प्यारे खूबसूरत बहुत मज़े के पकोड़े हैं। ये पकोड़े तो हर बंदा शौक से खाता है, तो ये बहुत मज़े के बनेंगे। अब मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया हाफ टी स्पून। ये देखें देखने में कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं, खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। अब हम इसमें बेसन जो है 400 ग्राम डालेंगे और इसको हमने स्ट्रेनर कर लेना है। ये देखें, ये हमने इस तरह स्ट्रेनर कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह आपने इसको छननी के साथ इस तरह करते जाना है। तो ये ऐसे सब कर लेंगे। पकौड़े तो हर बंदा शौक से खाता है, चाय पे खाए जाते हैं, तो अपना स्नैक्स पे, डिनर पे भी, तो सबसे ज़्यादा जो है ये पकौड़ा शौक से खाया जाता है पटाटो का। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा चिकन पकौड़े की, तो आपने फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और ये बहुत मज़े के क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। ना तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा बेसन डाला है, आपको इसमें पकौड़े नज़र आएंगे, जिसमें आपको पटाटो नज़र आएगी, ओनियन नज़र आएगा, और साथ में लाइट पालक नज़र आएगी। बस औरतें इस तरह करती हैं कि पकौड़े बनाती हैं, बहुत ज़्यादा देखिए आयल के अंदर मैंने पकौड़े को डाला है। माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारी इसका साउंड भी आ रहा है। अब मैंने जो फ्राई पैन में डाल दी है, एक तो इसमें आयल कम यूज़ होता है, कढ़ाई के अंदर आयल बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें बन भी ज़्यादा जाते हैं। ये देख इसको हमने हल्की फ्लेम पे पकाना है दो पे। तो अगर तेज़ करेंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। ये अब मैं इनकी साइड चेंज कर रहा हूँ। देखा किस तरह पकौड़े हमारे ऐसे जैसे फ्रेंच फ्राइज नज़र आ रही है और ये जुड़े जुड़े नज़र आ रहे हैं, बहुत मज़े के हैं। अगर इसमें हम बेसन ज़्यादा कर देते तो फिर ये चीज़ उसमें छुप जानी थी। ये देखें अब मैं इनकी साइडें चेंज कर रहा हूँ। माउथ वाटरिंग, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वाह क्या लुक है, क्या खूबसूरत पकौड़े बने हैं माशाल्लाह। अब मैं इनकी साइडें चेंज करता जा रहा हूँ, तो देखने में ये लुक कितनी अच्छी लग रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, तो बहुत मज़े के बनेंगे। इतनी इतनी क्वान्टिटी रखें, इसे ज़्यादा क्वान्टिटी ना रखें। तो ये देखें तो पकौड़ा वैसे खाने का मज़ा भी है, और अगर ये वीडियो अच्छी आपको लग रही है तो आप देखें, आपने इधर तरफ से मुझे बताएं कि आपको किस तरह के जो डिशेस खाने की पसंद है, ताकि मैं वैसी बनाऊं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए अब मैंने पकौड़े निकाले और कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें इस तरीके से मैंने निकाले हैं और माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। तो अब मैं आपको ये खा कर दिखाता हूँ। माशाल्लाह टमाटर काजू के साथ, वाओ डिलीशियस, क्या खूबसूरत लग रहे हैं, टेस्टी मज़े के। अब ये इसे टमाटर काजू साथ लगाई और अब मैं इनको